बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग विद जॉय। आज फिर से हाजिर एक नई रेसिपी के साथ। आज हमारे किचन में बन चिली चीज़ टोस्ट। तो चलिए इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लेते हैं। दो हमने इसमें ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, हाफ कप हमने इसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ लिया, 2 टेबलस्पून हमने इसमें बटर लिया। हम इसमें सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इसमें अनसॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे तो आप इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। एक हमने इसमें हरी मिर्च ली जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, और 1 से 2 हमने बड़े साइज के लहसुन के जवे यानी गार्लिक क्लोव्स लिया है और इसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आपने ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च और लहसुन इन दोनों को बहुत ही बारीक बारीक चॉप करना है क्योंकि हम इसे बटर में मिक्स करेंगे। और 1/2 टीस्पून हमने इसमें रेड चिली फ्लेक्स लिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मक्खन यानी बटर में गार्लिक क्लोव यानी लहसुन के जवे जिन्हें हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है वो डालेंगे। फिर हम इसमें ग्रीन चिली हरी मिर्च जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया वो डालेंगे और इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम ब्रेड के स्लाइसेस पे लगाएंगे इस तरह से दोनों पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इससे आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अच्छे से बटर लगाएं। इसी तरह हम दूसरे स्लाइस के भी लगा देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ओवन को हमने प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री पर रख दिया है। दोनों स्लाइसेस पे हमने बहुत अच्छे से बटर लगा लिया। अब हम इस पर एक एक करके चीज़ लगाएंगे। चीज़ आप अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पे डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। देंगे हम बेकिंग ट्रे पे। इसी तरह से दूसरा स्लाइस भी लेंगे, उस पर भी इसी तरह से हम चीज़ लगाएंगे। आपको जो चीज़ पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से दोनों स्लाइसेस पे हमने चीज़ डाल दी है और अब हम इसके ऊपर रेड चिली फ्लेक्स पे वो स्प्रिंकल करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो स्किप कर दें। अब इसे हम इतनी देर ओवन में रखेंगे जितनी देर में हमारे चीज़ मेल्ट हो जाए। आप चाहें तो इसे पैन में भी बना सकते हैं, लो हीट पे रखकर इसे कवर करके आप चीज़ मेल्ट होने तक कुक कर सकते हैं लो फ्लेम पे। चिली चीज़ टोस्ट हमारे रेडी हैं ओवन में जाने के लिए। तो चलें इसे चीज़ मेल्ट होने तक ओवन में रख के फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त हमारे चिली चीज़ टोस्ट रेडी हो गए हैं। चलिए अब इन्हें सेंटर से कट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तरह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चिली चीज़ टोस्ट रेडी हो गए हैं। इसी तरह हम दूसरे वाले को भी कट कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची चाय बने हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त चीज़ी बने हैं, ज़बरदस्त बने हैं हमारे। हम इन्हें डिश में सर्व करते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त चिली चीज़ टोस्ट हमारे रेडी हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।